मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 4 महीनों से हमारा अस्पताल लॉस में जा रहा है भाई। किसी तरफ से कोई फंडिंग भी तो नहीं हो रही है ना, और अगर इसी तरह रहा तो मुझे लगता है एक दिन हमारा अस्पताल किसी क्लिनिक में तब्दील हो। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा ना कहें, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्यों ना हम अस्पताल का आधा हिस्सा सिनेमा मालिकान को दे दें? आजकल इंडियन फिल्में बड़ा बिजनेस कर रही है। हाँ मैडम, बिल्कुल सही बात है। डॉन टू है ना, ओहो ऐसी धूम मचाई है उसने तो, शाहरुख खान के तो भरम ही नहीं मिलते। मैडम मेरा तो ये ख्याल है कि हमें अपने हॉस्पिटल को ब्लैक वाटर को किराए पे दे देना चाहिए। मैडम आप सोचें, हर तरफ जासूस ही जासूस, जासूस ही जासूस फैले हुए होंगे। डॉलर्स में आमदनी होगी मैडम, डॉलर्स में। दिमाग तो ठीक हो गया है आप लोगों का? अरे एक मेरे अस्पताल को किसी सिनेमा हॉल में तब्दील करना चाह रहा है और दूसरा जासूसी अड्डे में। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत सोचे। आप देखें मरीजों का दिल कितना बहला रहेगा और अस्पताल के बाहर क्या कतारें होंगी लंबी लंबी टिकट के लिए। अरे के, 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 क्या बात है। ओ मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो टिकटे ब्लैक करूंगा भाई, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। प्लीज आप लोग खामोशी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारा ये अस्पताल कितने लॉस में जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है हम लोगों को। मैडम मुझे तो ये जरूर किसी की साजिश लगती है, हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा मैडम। वैसे मैडम एक बात बताएं, ये जो 4 महीने पहले आखिरी बार हिसाब हुआ था तो आपके कितने पैसे बने थे? आप लोग यहाँ से जाएं प्लीज। मैडम आप इन बेचारों पे नाराज ना हो, इनका कोई कसूर नहीं है। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि देखिए एक ना एक दिन इस अस्पताल में कोई फरिश्ता आएगा और अस्पताल के तमाम मसले हल करके चला जाएगा। तुम भी यहाँ से जाओ प्लीज, फिलहाल तो तुम भी जाओ। मैं भी जाओ यहाँ से। चल भाई प्लीज। बदर तेरी नहीं है कदर, चल भाई बदर। मरीज आएगा। ऐसा करो कि तुम शिप से सारा माल उतरवा कर गोडाउन में शिप करो, हरी अब। और देखो जापान से जो डेलीगेशन आ रहा है ना, उसे मेरा कल का टाइम और मीटिंग का सारा शेड्यूल तय कर लो। ओके सेक्रेटरी जी। सर तुम जरा जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मैं जी 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 ए शुगर टेस्ट करवाना है। शुगर? हाँ आप तो बड़े कीमती आदमी हैं भाई। कौन मैं? हाँ हाँ देखिए आपको शुगर है और शुगर कितनी महंगी हो गई है। अब जिसको शुगर की बीमारी है ना, वो अपनी शुगर का इलाज ही नहीं कराता। ए शुगर मुझको नहीं है, मेरे सर को है। सर को? सर में आपने ये शुगर कैसे जमा कर ली भाई? क्या सर के बल खड़े होके मीठा खाते हैं? अरे सर का मतलब है यानी उनको शुगर है उनको। अच्छा उनको क्या नाम है उनका? जेके। जेके जम्मू कश्मीर जावेद कभी। अरे भाई क्या हो रहा है ये, तुम्हें मालूम है कि मेरा वक्त कितना कीमती है? जल्दी करो सर। आप बहुत तरजीब रख के मैं कर आता हूँ। ठीक है लेकिन जरा जल्दी करना। ठीक है। अरे भाई जल्दी करो साहब, बहुत बिजी रहते हैं, बड़ा कीमती टाइम है उनका। क्यों क्या 2.5 लाख रुपए की घड़ी बांधे हुए हैं? ओहो लेबोरेटरी का है, लेबोरेटरी। कौन सी, तजर्बे वाली या टेस्ट वाली? टेस्ट वाली, टेस्ट वाली। अच्छा टेस्ट ब्लड का कराना या यूरिन का? ब्लड का होगा। अच्छा टेस्ट खुद का होगा या बोतल का? ओ भाई खुद का ही होगा, खुद का ही। अच्छा ब्लड सिरंज से निकालें या चाकू से? ओ पागल हो गए क्या, चाकू से काट के टेस्ट करते? सिरंज से निकालो, सिरंज से। सिरंज लंबी हो या छोटी वाली? ओ भाई कोई सी भी चलेगी, जितनी जरूरत है ना उतनी ले लो। जरूरत तो आपको है या हमें? ओ दिमाग मत खराब कर, ये बताओ कि लेबोरेटरी कहाँ है? लेबोरेटरी लेबोरेटरी। देखो
यहाँ से सीधे जाओगे ना? चला गया, यहीं खड़े हो, कहाँ चला गया? मतलब ये कि जब जाओगे ना तो दरवाज़ा खोल के सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहाँ खड़ा होगा गार्ड, गार्ड से पूछना कि भाई वो लेबोरेटरी कहाँ है, वो तुमसे कहेगा कि तुम गलत आ गए हो, वापस जाओ। फिर आप जब यहाँ आएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि लेबोरेटरी ये है। मेरा नाम है बदर, लेता हूँ सबकी खबर। एक प्लेट नहारी और दो रोटी ले आना। अरे शेख साहब, ये होटल नहीं है, अस्पताल है, आप यहाँ चेकअप के लिए आए हैं। ओह, मुझे याद आया, मैं तो यहाँ चेकअप के लिए आया हूँ। हाँ तो बताएं, क्या हुआ है आपको? मुझे भूल गया। अरे ऐसे कैसे, याद करें। ओह याद आया मुझे, मैं ऐसा लगता है मैं एक बॉल हूँ। शेख साहब, ये फीलिंग आपको कब से है? जब से मेरे बच्चे ने मेरे साथ फुटबॉल खेलनी शुरू की और मुझे लिटा के दे लाते हैं। तो आप बच्चे को मना नहीं करते? किसके बच्चे को? अरे अपने बच्चे को। मेरी शादी हो गई क्या? शेख साहब, अभी तो आपने कहा था कि आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं। अच्छा तो हो गई होगी, अब मैं चलता हूँ। अरे किधर जा रहे हैं, बैठे रहिए, आपका इलाज हो रहा है। ये तो अस्पताल है, मैं तो बैंक आया था खाना लेने को। शेख साहब, बैंक में खाना नहीं मिलता, होटल में मिलता है। मेरे घर में भी खाना मिलता है, क्या मेरा घर होटल है? वो तो आपका घर है, बीवी पकाती होगी। किसकी बीवी? आपकी भाई, आपकी। बहुत पकाती है, बक 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 हंडिया चढ़ी हुई है, रान को कोई देते। शेख साहब मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया आपका क्या मसला है, आपकी याददाश्त कमजोर है। हो ही नहीं सकता, मेरा दिमाग तो सुबह उठ के वर्जिश करता है। हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करें, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, डॉक्टर हसीना भी आपसे मिलेंगे आके। किस चीज का ट्रीटमेंट, क्या हुआ है मुझे? ओफ शेख साहब, आप बाहर जाके वेट करें, आपको पता चल जाएगा, जाएं। अच्छा मैं चलता हूं फिर। हां जाएं जाएं। अस्तगफार, इस आदमी ने मेरा दिमाग घुमा दिया।